हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग का लॉकडाउन पीरियड अच्छे से चल रहा है. स्टे सेफ. एंड आज का अभी का हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल. ठीक है. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीआरपीसी के चैप्टर 33 में है. सेक्शंस लिखे गए हैं 436 से लेके 450 सीआरपीसी. ठीक है. एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना होता है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बेल को आप, जस्ट अ सेकेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ बेल को आप आइसोलेशन में नहीं समझ सकते. कॉन्सेप्ट ऑफ बेल को आप तभी समझ सकते हैं जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ अरेस्ट को समझेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली उसी टाइम पीरियड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है. एंड अगर पुलिस को लगता है कि कोई भी इंसान एविडेंसेस को टैम्पर कर सकता है, तब कॉन्सेप्ट ऑफ बेल आता है. सो दिस पॉइंट टेल्स यू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ बेल कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बेल हैज़ टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरेस्ट. ठीक है. ठीक. नेक्स्ट इज, अगर आप बेल को ब्रॉडली देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल को, तो ये आपको फोर टाइप्स ऑफ बेल आपको सीआरपीसी में मिलेगा. फर्स्ट इज बेलेबल, नेक्स्ट इज नॉन बेलेबल, थर्ड इज एंटिसिपेटरी बेल, एंड फोर्थ इज डिफॉल्ट बेल. बेलेबल लिखा है सेक्शन 436, नॉन बेलेबल इज गिवन इन सेक्शन 437 सीआरपीसी, एंटिसिपेटरी बेल इज गिवन इन सेक्शन 438 सीआरपीसी, एंड डिफॉल्ट बेल इज गिवन इन सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी. सो स्टार्ट करते हैं बेलेबल ऑफेंस की. अगर बात की जाए बेलेबल ऑफेंस की, अगर बात की जाए तो बेल, देखिए जितने भी ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि बेलेबल हैं, उसकी खासियत ये होती है कि बेल इज़ ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट. सो बेलेबल को जब आप डाइसेक्ट करोगे ना, तो इट इज़ बेल प्लस एबल. दैट मीन्स अ पर्सन हैज़ द अबिलिटी टू गेट बेल इन केस द पुलिस अरेस्ट हिम इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो बेलेबल एक मैटर ऑफ राइट है. और अगर किसी को अरेस्ट किया भी गया है तो वो पुलिस स्टेशन से ही वापस जा सकता है, प्रोवाइडेड ही फर्निशेस सिक्योरिटी एंड बेल बॉन्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड दैट बेल इज़ ओनली अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप उस इंसान को जेल में नहीं रखोगे, आप उसका अरेस्ट प्रोसीजर स्टॉप कर रहे हो. दैट डज नॉट मीन दैट केस इज कम्प्लीटली वाउंड अप. इट डज़ नॉट मीन लाइक दैट. सो बेल अगर मिला भी है, द पर्सन इज आउट ऑफ द जेल, ही इज़ नॉट अरेस्टेड, बट अगेन द कन्विक्शन और द अक्विटल, द ट्रायल हैज़ टू गो ऑन एंड द कोर्ट हैज़ टू सी वेदर दैट पर्सन इज एक्चुअली, ही शुड बी कन्विक्टेड और ही शुड बी अक्विटेड ऑफ एनी ऑफेंस. ऑब्वियसली क्योंकि बेलेबल में बेल एक अधिकार की तरह है, इसलिए आप इतना समझ सकते हैं, आप इतना डिड्यूस कर सकते हैं दैट ऑल दोज ऑफेंसेज अंडर आईपीसी एंड वेरियस अदर क्रिमिनल लॉज जो कि लेस सीरियस हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं पोज करते, जनरली वो सारे offenses, they are bailable offenses. ठीक है. And next is that bail can be granted by police provided surety is furnished. So जैसा कि हमने first point में ही समझा, bailable में bail obviously एक matter of right है, but bailable में bail लेने के लिए obviously, and ये चीज़ें पुलिस को बतानी ज़रूरी होती हैं. So there is a judgment which is DK Basu versus State of West Bengal, जहाँ पे and इस judgment के बाद इनफैक्ट सीआरपीसी के investigation procedures में बहुत सारे amendments भी किए गए थे. It becomes a primary duty on all those पुलिस officers जो कि किसी को भी अरेस्ट करते हैं, कि जब आप अरेस्टी को लेके आएं तो आप उन्हें बताएं कि वो किस ऑफेंसेस में आए हैं. और ये जो ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर्स की, ये एक मैकेनिकल ड्यूटी नहीं है, ये एक लीगल अधिकार है अरेस्टी का. सो दैट पर्सन मस्ट बी मेड अवेयर एज टू व्हाट ऑफेंसेस हैज़ बिन, यू नो, या व्हाट चार्जेस हैज़ बिन लेविड अगेंस्ट हिम. सो इफ़ दैट इज़ बेलेबल, द पुलिस ऑफिसर, द अरेस्टर हैज़ टू मेक द अरेस्टी अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ बेलेबल ऑफेंस एंड इन दीज केसेज यू हैव अ राइट टू गेट बेल, जस्ट अरेंज फॉर योर श्योरिटी. एंड इफ़ इन केस द पर्सन, द अरेस्टी, हैज़ बिन लेविड विथ अ चार्ज विच इज़ नॉन बेलेबल
offense, for an example. The police, again, keeping into the consideration that arrestee has this legal right to be informed as to what kind of these charges are, whether they fall under bailable, if so, unke apne adhikar kya hain, if the charges are non-bailable, uska matlab kya hai. So, agar unhe koi legal advice ki zarurat hai, agar unhe apna advocate hire karne ki zarurat hai, ye sari cheeze primarily duty banti hain police officers ki, the arresters jo ki arrest karte hain arrestee ko. ठीक है, बट येस, अगर आप बेलेबल ऑफेंस की बात करेंगे तो बेलेबल इज़ अ मैटर ऑफ राइट और ये सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 436 में दिया गया है. मूविंग ऑन, नॉन बेलेबल ऑफेंस की जब आप बात करेंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 437 सीआरपीसी. अगेन, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पॉइंट, सिंस इट इज़ नॉन बेलेबल, बहुत लोग ये समझते हैं कि नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलता. दैट इज़ नॉट द पॉइंट, ये एक मिथ है. इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बेलेबल में बेल मिलता है एंड नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलता. इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सच. नॉन बेलेबल में इट्स ओनली लाइक अगर एक अरेस्टी को नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ हिज राइट टू गेट बेल, रादर ये कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा. ठीक है, और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि क्या आपको उस इंसान को बेल देना है कि नहीं. प्राइमा फेसाई केसेस देखे जाते हैं कि किसी इंसान के बहुत सारे एविडेंसेस नहीं लिए जाते, बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड दैट बेल का जो भी प्रोसीजर चल रहा है वो अभी फॉर्मल ट्रायल से पहले चल रहा है. आई होप आपने फर्स्ट स्लाइड में ये समझा था कि बेल का कॉन्सेप्ट इज कोटर्मिनस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेस्ट. सो जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अरेस्ट के दौरान किसी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को अरेस्ट करते हैं तभी आप बेल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो. सो प्राइमा फेसाई जब 437 में जब बेल एप्लीकेशंस लगाए जाते हैं तो आप प्राइमा फेसाई एक केस प्रूफ कराते हैं, बट द मोर कंसिडरेशन या ये ज़्यादा कंटेंशन होगा अक्यूज की तरफ से, अक्यूज्ड पार्टी की तरफ से, कि अगर आप इस इंसान को जेल पे नहीं रखते और इफ़ दिस पर्सन हैज़ बिन ग्रांटेड बेल, इज ग्रांटेड बेल, दिस पर्सन शैल नॉट टैम्पर विद द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, दिस पर्सन शैल नॉट यू नो शैल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर्स, दैट दिस पर्सन शैल नॉट लीव द प्रीमाइसेस, दैट दिस पर्सन शैल नॉट लीव द टाउन, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, व्हाटएवर, कंट्री विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट. सो इस टाइप के बहुत कंडीशंस के साथ बेल कैन बी ग्रांटेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज ऑल्सो. एंड अगर कोर्ट को लगता है, जैसा कि आप बहुत सारे जजमेंट्स में देखते होंगे, आप न्यूज़पेपर्स में रीड करते होंगे, बहुत लोग के बेल एप्लीकेशंस लिए जाते हैं, बट कोर्ट कितनी बार इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क आता है केस में कि जिस इंसान का बेल एप्लीकेशन सुन रहे हैं वो इंसान हाईली इन्फ्लुएंशियल है समाज में, तो दैट पर्सन बाय हिज पर्सनैलिटी इट्सेल्फ ही हैज़ दैट काइंड ऑफ यू नो ऑरा दैट ही कैन टैम्पर विद द एविडेंसेस, द विटनेसेस कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड. सो जनरली ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट क्या करेगी, सेफ साइड पे रहेगी, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को चलने देगी, बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड दैट विशियस सर्किल इन क्रिमिनल लॉ, अंटिल एंड अनलेस इन्वेस्टिगेशन हैज़ नॉट बिन डन इन अ फेयर एंड एफिशियंट मैनर, that will not help police officers to lodge charge sheet. And until and unless you have charge sheet, until and unless you have a, you know, a well equipped investigation done in any case, justice milna kitni baar bahut mushkil ho jata hai in cheezon ki wajah se. Is wajah se it's like a vicious circle. So court bahut zyada is baat pe dhyan degi, बहुत ज़्यादा इस बात को consider करेगी कि ऐसे कौन से factors हैं. So वो factors जो कि bail को ग्रांट नहीं होने देने के लिए है वो है अग्रवेटिंग फैक्टर्स एंड ऑल दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से कोर्ट को लगता है, जैसे कि अगर आपको अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है, आपको ये कहना है कि नो मेरे क्लाइंट को बेल मिलना चाहिए, और आप अपने बेल एप्लीकेशन में, आप अपने आर्ग्यूमेंट में इस बात को असर्ट कर रहे हैं दैट माई क्लाइंट हैज़ नो प्रीवियस यू नो नो एंटीसीडेंट्स, ही इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ही इज़ नॉट यू नो रेपिटेटिव ऑफेंडर और समथिंग. सो ये अगर फैक्टर्स आप प्रूव कर रहे हो, ये फैक्टर्स जो आप असर्ट कर रहे हो ना, ये एक मिटिगेटिंग फैक्टर बनेगा, मतलब ज्यादा चांसेस होंगे बेल मिल जाने के. सो ये एक मिथ है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलता है एंड नॉन बेलेबल में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलता है. ऑल आई एम सेइंग इज इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, फैक्टर्स आर जनरली सीन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एंड द मेन कंसर्न इज नॉट to decide whether this person has done the offense or not, क्योंकि वो चीज़ आप ट्रायल में देखोगे, evidences के द्वारा देखेंगे, but यहाँ पर main concern इस बात का चल रहा है कि
आपको ये देखना होता है कि अगर इस इंसान को जेल में नहीं रखा गया तो क्या ये इंसान बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को टैम्पर कर सकता है। इफ़ येस तो बेल एप्लीकेशन डिसमिस होगा, रिजेक्ट होगा, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बेल एप्लीकेशन ग्रांट किए जाएंगे। नेक्स्ट इज हाँ, सो कंडीशंस के साथ बेल मिल सकता है नॉन बेलेबल में भी, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन कंडीशंस का पालन किया जाए, क्योंकि जैसे ही किसी को जैसे बेल मिला है नॉन बेलेबल में विथ कंडीशंस, एंड अगर उसने कंडीशंस को वॉयलेट किया, इसे लॉ की भाषा में कहा जाता है जंपिंग ऑफ द बेल कंडीशंस, सो अगर उसने कंडीशन को जंप किया तो उसका बेल कैंसिल हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बट आई होप आपका ये मिथ क्लियर हुआ होगा कि बेलेबल में बेल मिलना अधिकार है, नॉन बेलेबल में स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी मत समझिएगा नो। नॉन बेलेबल में इट्स लाइक कंडीशंस, फैक्टर्स आर टू बी सीन, एंड बेल can be granted provided there will be certain conditions attached with it and one needs to abide by all those conditions. Theek hai. Next is anticipatory bail. This is again very very important, and agar aap law related koi bhi exam denge to this becomes, you know, at times this becomes very important concept, and it is given, it is provided under section 438 CRPC. See, the point is kitni bar aisa hota hai, anticipation ka matlab kya hota hai, anticipatory mein hi anticipation ka phenotic similarity mil raha hai. Anticipation is like when I have a strong reasonable ground to believe that somebody can fabricate me in any frivolous case, and obviously वो जो केस होना चाहिए वो नॉन बेलेबल ऑफेंस का होना चाहिए, क्योंकि बेलेबल में अगर कोई अरेस्ट हुआ भी है तो बेल मिलना अधिकार है, बट नॉन बेलेबल में ज़्यादा स्टेक्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि जेल जाने का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बनता है। सो अगर आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट सम दैट दैट अ पर्सन कैन फैब्रिकेट मी इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, देन आई कैन मूव द रिस्पेक्टिव कोर्ट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट आई विल गेट अ बेल ऑर्डर सो दैट इन फ्यूचर इफ द टीम कम्स अप टू अरेस्ट मी, आई कैन शो द बेल ऑर्डर्स टू मी विच आई हैव यू नो ऑब्टेन्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस अरेस्ट। सो अगर एक रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है दैट आई माइट बी फैब्रिकेटेड इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंसेज, सेक्शन नंबर 438 CRPC provides that आप anticipation में भी bail ले सकते हैं। So ये जो anticipation में bail लेने का concept है, hence the name anticipatory bail। ये burden of proof बहुत strong होगा एक एप्लीकेंट में, जैसे अगर लेट सपोज मुझे एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करना है तो आई एम द एप्लीकेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। आई विल हैव टू कन्विंस द जुडिशियल माइंड व्हाई डू आई बिलीव यू नो दैट आई कैन बी फैब्रिकेटेड इन दिस केस। सो कोर्ट बहुत स्केप्टिकल होके टू मतलब अगर आप प्राइमा फेसाई देखेंगे तो कोर्ट बहुत स्केप्टिकल रहती है कि व्हाई डू यू थिंक इट्स ओके ना, पहले एक बार FIR तो लॉन्च होने दीजिए, एक बार देखिए तो क्या होता है। बट आंसर इज कि प्रोविजन है CRPC में, इफ़ एन एप्लीकेंट कंप्लीटली डिस्चार्जेस हिज ड्यूटी, यू नो हिज कंप्लीटली डिस्चार्जेस हिज बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव दैट ही हैज़ अ सफिशियंट ग्राउंड, अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ही कैन बी फैब्रिकेटेड इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, देन एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट येस इट इज़ इन एग्जिस्टेंस और ये दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट जो कि नॉन बेलेबल एंड एंटिसिपेटरी बेल का एक डिफरेंस होता है, एज फार एज नॉन बेलेबल ऑफेंसेज आर कंसर्न, इसमें ज्यूरिसडिक्शन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स का जा सकता है, ठीक है। बट जैसे ही आप एंटिसिपेटरी बेल की बात करेंगे तब दो कोर्ट का साइमल्टेनियस ज्यूरिसडिक्शन आता है, एक होगा हाई कोर्ट एंड दूसरा होगा कोर्ट ऑफ सेशन, इन दोनों के पास कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। एंड दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस यू विश टू अपियर फॉर एनी लॉ रिलेटेड एग्जाम, ठीक है। सो CRPC में एक इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट आता है जो कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए बहुत खास पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट विच आई हैव रिटन एज यू कैन सी इन ऑन द स्लाइड इज एप्लीकेंट हैज टू प्रूव रीजन टू बिलीव, दिस इज वॉट इज द मेन पॉइंट एंड दिस इन द लॉ इज नोन एज बर्डन ऑफ प्रूफ, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ लिया जाता है। सो जितना ज़्यादा आप जुडिशियल माइंड को कन्विंस कर पाएंगे उतना हाई प्रोबेबिलिटी होता है एंटिसिपेटरी बेल ऑब्टेन करने का, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटिसिपेटरी बेल इज एक्चुअली गिवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। आई होप आपको लॉजिक इसका क्लियर होगा कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि ज़्यादा स्टेक है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, बेलेबल ऑफेंस एनी वेज इज़ अ मैटर ऑफ राइट एंड एन अरेस्टी इज समहाउ एंटाइटल्ड टू गेट बेल,
ठीक है, प्रोवाइडेड ही फर्निशेज द श्योरिटी और द बेल बॉन्ड. बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में इवन इफ द अरेस्टी इज रेडी टू फर्निश अ श्योरिटी एटसेट्रा, पुलिस ऑफिसर्स दे डू नॉट हैव द पावर टू ग्रांट एनी बेल सिंस इट इज नॉन बेलेबल. सो नॉन बेलेबल क्योंकि स्टेक्स के साथ आते हैं, इसलिए एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ चलता है. ट्रू, ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत टाइम क्वेश्चंस में मैंने देखा है वो ये है कि फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक्चुअली इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट ऑफ यूपी में, और आप समझते हो सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ, एंड प्रोसीजरल लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, सेवन शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें आता है. एंड कॉन्करेंट लिस्ट इज दैट ट्वाइलाइट जोन ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स बोथ हैव बिन गिवन पावर टू लेजिस्लेट. ठीक है, सो इसे आप ट्वाइलाइट जोन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में. सो सीआरपीसी ऑब्वियसली स्टेट्स के पास भी कुछ पावर्स हैं कि वो सीआरपीसी प्रोसीजरल रूल्स में अपने भी कुछ रूल बना सके. सो इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट ऑफ यूपी में एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है उसे खत्म कर दिया गया था. अच्छा, हैविंग सेड दैट, ये मत कंक्लूड कर लीजिएगा दैट मीन्स स्टेट ऑफ यूपी में एंटिसिपेटरी बेल था ही नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है. द पॉइंट इज स्टेट ऑफ यूपी में भी जिसको एंटिसिपेटरी बेल लेना होता था वो हाई कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर्स हैं अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी. सो इफ इन केस इन स्टेट ऑफ यूपी अ पर्सन हैज टू गेट एंटिसिपेटरी बेल, दे कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी. ऑल आई एम सेइंग इज दे विल गेट, दे हैव द प्रोविजन ऑफ गेटिंग एंटिसिपेटरी बेल नॉट अंडर दिस not under this provision, rather section 482 CRPC. ठीक है, चलिए next. डिफॉल्ट बेल. नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट बेल. डिफॉल्ट बेल में क्या होता है, ये दिया गया है सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 167 क्लॉज 2 में. ठीक है, सी ऑल दोज ऑफेंसेस जिनकी सजा पनिशमेंट जिनकी 10 ईयर्स से कम दी गई है आईपीसी में या डिफरेंट क्रिमिनल लॉज में, ऐसे केसेस में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनके ऊपर एक ड्यूटी है, उनके ऊपर एक टाइम की पाबंदी है, वो है कि चार्जशीट उन्हें फाइल कर देना है विद इन 60 डेज. एंड ऑल दोज ऑफेंसेस जहाँ पे की पनिशमेंट 10 ईयर्स से ज़्यादा की है वहाँ पे पुलिस को चार्जशीट फाइल कर देना होता है 90 डेज के विद इन. अगर इन टाइम लिमिट्स में चार्जशीट फाइल नहीं हो पाता है तो फिर अक्यूज्ड के पास राइट टू बेल आ जाता है. एंड आई होप यू अप्रिशिएट दैट इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान नॉन बेलेबल ऑफेंस में जेल की सज़ा, मतलब जेल में था अरेस्ट होके, बट क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की इसलिए उस इंसान के पास राइट टू बेल आ गया. सो अगर डिफॉल्ट बेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ, डिफॉल्ट बेल में कहीं ना कहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस है बट वो बेलेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर पुलिस ने जो स्टिप्यूलेटेड टाइम दिया गया है सीआरपीसी में उसके तहत अगर चार्जशीट नहीं फाइल होता है तो. दैट्स ऑल फॉर यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल. सो प्राइमरली इट इज़ ऑफ फोर टाइप्स. वन इज़ बेलेबल as यू हैव सीन कि बेलेबल में इट बिकम्स अ मैटर ऑफ राइट. नेक्स्ट इज़ नॉन बेलेबल जहाँ पे कि अगेन यू हैव सीन दैट इट्स नॉट लाइक बेल मिलेगा नहीं, इट्स ओनली लाइक कि कोर्ट कुछ कंडीशंस इम्पोज करते हुए बेल एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है. एंटिसिपेटरी बेल इज़ बेल इन एंटिसिपेशन एंड इट इज़ ओनली अवेलेबल इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिफॉल्ट बेल जहाँ पे कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक ड्यूटी दी गई है कि विद इन दिस टाइम स्लॉट उन्हें चार्जशीट फाइल कर देना है, फेलिंग ऑफ विच द पर्सन गेट्स एंटाइटल्ड फॉर बेल. ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आपको हेल्प करेगा इन डिफरेंट लॉ रिलेटेड एग्जाम. ओके, सी यू सून अगेन एंड होप यू स्टे सेफ. बाय.